प्रिय दर्शकों नमस्कार, आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा मेसर्स एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से ग्राहक बैठक आयोजित। सेल स्वर्ण जयंती बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली आरएसपी की बैडमिंटन टीमें सम्मानित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं पद्मश्री मिंती मिश्र। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री RCCI के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ 50 से अधिक ग्राहक मैसर्स एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP द्वारा होटल मेफेयर राउरकेला में 21 सितंबर 2022 को आयोजित ग्राहक बैठक में शामिल हुए। कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, महाप्रबंधक प्रभारी विपणन श्री SC मोहंती, महाप्रबंधक विपणन श्री V अप्पाराव जगंती, महाप्रबंधक विपणन श्री राकेश डोंडियाल और मेसर्स एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड नीलामी प्रमुख श्री K सेंथिल नाथन ग्राहक बैठक के दौरान मंच पर उपस्थित थे। RSP और मेसर्स एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि मेसर्स एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड ऑनलाइन फॉरवर्ड नीलामी के लिए RSP से सेवा प्रदान करता है। श्री सोमनाथ त्रिपाठी ने सम्मानित ग्राहकों का स्वागत करते हुए कहा, RSP अपने ग्राहकों के साथ सहजीवी संबंधों को बनाए रखने और आगे बढ़ने में गर्व महसूस करता है। उन्होंने सेल RSP के विकास में सहयोग के लिए ग्राहकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, RSP की लंबी और गौरवशाली यात्रा आप जैसे मूल्यवान ग्राहकों के समर्थन के बिना संभव नहीं है। बैठक में मौजूद कई ग्राहक दूसरी और यहां तक कि तीसरी पीढ़ी के उद्यमियों के हैं, जिनका सेल RSP के साथ जुड़ाव समय के साथ बढ़ा है और हमें इस क्षेत्र में प्रमुख बाजार की हिस्सेदारी को बनाए रखने में मदद मिली है। कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन ने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए स्वस्थ कारोबारी माहौल को बनाए रखने में अनुरोध के साथ यह भी आश्वासन दिया कि RSP अपने व्यापार को आसानी से आगे बढ़ाने के लिए सभी समर्थन प्रदान करेगा। विचार विमर्श सत्र में ग्राहकों ने निश्चित दिनों पर नीलामी आयोजित करने, धन वापसी में तेजी लाने और गेट पास मानदंडों को आसान बनाने के लिए जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। सेल के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुद्दों पर चर्चा की और उन्हें समयबद्ध तरीके से हल करने का आश्वासन दिया। इससे पहले श्री अनूप जगनानिया मैसर्स एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड के फॉरवर्ड ऑक्शन बिजनेस के प्रमुख ने सामान्य रूप से और विशेष रूप से ऑनलाइन फॉरवर्ड नीलामी प्रक्रिया पर प्रस्तुतियां दी। प्रारंभ में शाखा प्रमुख राउरकेला मैसर्स एम जंक्शन सर्विसेज श्री अरिजीत घोष ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि मैसर्स एम जंक्शन सर्विसेज श्री अनूप जगनानिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल स्वर्ण जयंती बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP की बैडमिंटन टीमों को 22 सितंबर 2022 को कार्यपालक निदेशक वर्क्स कार्यालय में आयोजित एक समारोह में कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी PH&SW श्री BK राउत और सहायक प्रबंधक क्रीड़ा श्री RN पाढ़ी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि चैंपियनशिप में RSP की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। महिला टीम में उप महाप्रबंधक विद्युत वितरण सुश्री शांति कुमारी, सहायक प्रबंधक CCW सुश्री दिव्या दास, प्रबंधक न्यू प्लेट मिल सुश्री ज्योतिर्मयी राउतिया और प्रबंधक हॉट स्टिप मिल 1 सुश्री रीता मुर्मू शामिल थीं, जबकि पुरुषों की टीम में प्रबंधक NPM श्री A दलाई, वरिष्ठ प्रबंधक न्यू प्लेट मिल श्री R नवीन, वरिष्ठ तकनीशियन T&RM मोहम्मद रशीद और SOST SMS 2 श्री R तुंग शामिल थे। वर्क सचिवालय के वरिष्ठ कार्यपालक सहायक श्री राजीव कुमार नायक टीम के प्रबंधक थे। चैंपियनशिप का आयोजन बोकारो स्टील प्लांट द्वारा 16 से 18 सितंबर 2022 तक बोकारो में सेल स्वर्ण जयंती समारोह के एक उपलक्ष्य में किया गया था, जो सेल की सभी इकाइयों में राष्ट्र की सेवा
से सेल के 50 गौरवशाली वर्षों की यात्रा का जश्न मनाने के लिए मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुति कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं पद्मश्री मिंती मिश्र। डॉक्टर मिंती मिश्र का जन्म 14 अप्रैल 1936 को ओडिशा के कटक जिले में एक रूढ़िवादी लेकिन कलात्मक रूप से प्रवृत्त परिवार में हुआ था। मिंती को बहुत कम उम्र में ही नृत्य और संगीत से परिचित करा दिया गया था। उन्होंने शास्त्रीय गायन, एस राजवादन और लोक नृत्य में अपना पाठ शुरू किया। 1950 में मिंती ने गुरु केलुचरण महापात्रा के तहत प्रशिक्षण शुरू किया। 1956 में मिंती ने भरतनाट्यम में अपना आरंगट्रॉन किया और नाट्य कला भूषण की उपाधि प्राप्त की। वे वापस ओडिशा आई और ओडिशा में उत्कृष्टता हासिल करने की अपनी खोज जारी रखी। मिंती कई अन्य शौक को भी आगे बढ़ाने में कामयाब रही। अपने जीवन की शुरुआत में वे एक एथलीट और राज्य स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी थी। उन्होंने अपने समय के विभिन्न नाटकों और लोक रंगमंच में भाग लिया। 1963 के आसपास उन्होंने सिनेमा में अभिनय करना शुरू किया। उन्होंने 4 ओडिया फिल्मों में अभिनय किया, सूरजमुखी, अरुंधति, जीवन साथी और साधना। इन चारों को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय सिनेमा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। उन्हें 1975 में ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1999 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी, 2006 में कवि सम्राट उपेंद्र भंज सम्मान और 2012 में ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।